वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 10 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय से लगभग 923 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस मिला है, तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए देखते हैं। ये तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और खुफिया महानिदेशालय, जिसे अब जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के रूप के नाम से उसकी इसका नाम दिया गया है, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक शीर्ष खुफिया संगठन है। इसे अखिल भारतीय आधार पर वस्तु और एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के कर्तव्यों की चोरी से संबंधित खुफिया जानकारी के संग्रह, संकलन और प्रसार का काम सौंपा गया है। अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो इसे पहले चोरी रोधी महानिदेशालय के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1979 में चेन्नई और दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थित क्षेत्रीय इकाइयों के साथ राजस्व खुफिया निदेशालय नई दिल्ली के नियंत्रण में से एक स्वतंत्र विंग के रूप में की गई थी। यह 1983 में एक निदेशक की अध्यक्षता में एक पूर्ण निदेशालय बन गया। 1988 में निदेशालय को महानिदेशक के अधीन महानिदेशालय में अपग्रेड कर दिया गया। तब से DGGI का विस्तार किया गया और अब इसमें महानिदेशक यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के 4 कार्यालय और 26 क्षेत्रीय इकाइयां और 40 क्षेत्रीय इकाइयां शामिल हैं। DGGI की मुख्य विशेषताएं या जिम्मेदारियां इसकी क्या हैं? तो एक खुफिया जानकारी एकत्र करना और GST कानून के से संभावित उल्लंघनों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है ये। इसमें विभिन्न स्रोतों जैसे GST रिटर्न, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों से जानकारी एकत्र करना शामिल है। ये जांच कैसे करता है? तो DGGI के पास GST चोरी या गैर अनुपालन के संदिग्ध मामलों में जांच करने की शक्ति है। इसमें व्यक्तियों को बुलाना और रिकॉर्ड की जांच करना और तलाशी और जब्ती करना शामिल हो सकता है। इसका प्रवर्तन तो DGGI का GST कानून के प्रावधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और उन पर जुर्माना लगाना और किसी भी बकाया कर या शुल्क की वसूली करना शामिल होता है। इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं। तो अन्य कार्यों में GST कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए DGGI अन्य एजेंसियां जैसे कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क बोर्ड और राज्य GST अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है। ये GST अनुपालन के बारे में जागरूकता पैदा करने और करदाताओं को कानून के तहत उनके दायित्वों के बारे में शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह GST के प्रशासन में शामिल फील्ड अधिकारियों व अन्य सरकारी एजेंसियों को तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भी एक जिम्मेदार निकाय है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मान्यता प्राप्त जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं जिनको आशा बोलते हैं उसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सरकार ने सिकल सेल रोग की जांच और सिकल सेल कार्ड के वितरण के लिए पात्र व्यक्तियों को जुटाने के लिए आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। तो तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए आशा के बारे में जान लेते हैं। तो आशा ये एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और आशा कार्यकर्ता भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। समुदाय से ये चयनित और उसके प्रति जवाबदेह आशा को समुदाय और सॉरी उसके प्रति जवाबदेह इस समुदाय से ही चयनित और उसके प्रति जवाबदेह आशा को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इनके कार्य क्या होंगे? तो ये सामुदायिक स्तर पर देखभाल प्रदाता के रूप में कार्य करेंगी और ये स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।
और ये समुदाय के भीतर हाशिए पर जो मौजूद वर्गों के बीच स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों की वकालत करना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत व्यवहार और आजीविका के प्रति दृष्टिकोण की वकालत करना। आशा योजना वर्तमान में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यानी गोवा को छोड़कर ये लागू हैं। राज्य को प्रत्येक 1,000 लोगों पर कम से कम एक आशा कार्यकर्ता को नियुक्त करना अनिवार्य है। उनका चयन विभिन्न सामुदायिक समूहों, स्वयं समूहों, आंगनबाड़ी संस्थानों, ब्लॉक नोडल अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति और ग्राम सभा को शामिल करते हुए एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। जहाँ तक उनकी भर्ती का सवाल है तो राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर मामले दर मामले आधार पर जनसंख्या मानदंडों के साथ साथ शैक्षिक योग्यता में छूट भी दी गई है। इसके चयन का मानदंड क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आशा को मुख्य रूप से गाँव की निवासी विवाहिता विधवा तलाकशुदा महिला होनी चाहिए। इसमें अधिमानत लगभग 25 से 45 वर्ष की आयु और साक्षर अधिमानत लगभग 10वीं पास तक योग्यता प्राप्त या कक्षा 8 तक औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए। इस शहरी क्षेत्रों में आशा को स्लम कमजोर समूहों की निवासी महिला होनी चाहिए और उस विशेष कमजोर समूह से संबंधित होना चाहिए जिसे आशा के चयन के लिए शहर में या जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा पहचाना गया है और उसके पास अच्छा संचार और नेतृत्व कौशल होना चाहिए। आशा के लिए मुआवजा, तो ये एक आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से एक मानद स्वयंसेवक होती है, लेकिन उसे विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे प्रशिक्षण उपस्थिति, मानसिक समीक्षा और अन्य बैठकों में उसके समय के लिए मुआवजा दिया जाता है। औसतन एक आशा कार्यकर्ता की मासिक आय राज्य के आधार पर 2,000 रुपये प्रतिमाह से 7,000 रुपये प्रतिमाह तक होती है। इसके अलावा वह विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। इसे उसे गर्भ निरोधक गोलियां, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि जैसे कुछ स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के सामाजिक विपणन से भी आय प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है परियोजना वीर गाथा के 3.0 के बारे में, प्रोजेक्ट 3.0। तो ये वीर गाथा परियोजना इसका तीसरे चरण में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उल्लेखनीय 1.36 करोड़ स्कूली छात्रों में भाग लिया है। इस परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल यानी गैप के तहत की गई थी और इसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कृत्यों और इन बहादुर दिलों की जवान कहानियों का विवरण छात्रों के बीच प्रसारित करना ताकि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके और उसमें नागरिक चेतना के मूल्यों को भी स्थापित किया जा सके। इसके एक भाग के रूप में छात्रों ने इन वीरता पुरस्कार विजेताओं पर कला, कविता, निबंध और मल्टीमीडिया जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएँ तैयार की हैं जो सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं को रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। वीरगाथा परियोजना 3.0 के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गई हैं, जैसे स्कूल स्तर पर गतिविधियां, इसमें स्कूल के विभिन्न परियोजनाएं गतिविधियां आयोजित की हैं और माई गॉव पोर्टल पर प्रत्येक स्कूल के कुल 4 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां अपलोड की हैं। इसके साथ ही हमारे देश की वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में स्कूली छात्रों में जागरूकता लाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय संगठन या सेना या नौसेना, वायुसेना के माध्यम से स्कूलों के लिए आभासी या आमने सामने जागरूकता कार्यक्रम सत्र आयोजन किए हैं। वीरता पुरस्कार अवार्ड क्या है? तो इसे सशस्त्र बलों या अन्य कानूनी रूप से संगठित बलों और नागरिकों के लिए अधिकारियों कर्मियों की बहादुरी और बलिदान के कृत्य का सम्मान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ये इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद अन्य 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3, ये इनको 1952 में शुरू किया गया था और इन पुरस्कारों का नाम बदलकर 1967 में क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। वरीयता क्रम क्या है इसमें? तो इन पुरस्कारों की वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र,
कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये इनकी क्रमबद्धता है। ये सभी वीरता पुरस्कार मरणो उपरांत प्रदान किए जा सकते हैं, मतलब जब व्यक्ति शहीद हो जाता है उसके बाद में ये दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रूडी सेल्डुक के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। सुरखाव पक्षी के नाम से मशहूर रूडी सेल्डुक के लगभग 50 सदस्यों का पहला जत्था 6 महीने के शीतकालीन प्रवास के लिए उत्तराखंड पहुंचा है। इसी ये प्रवासी हैं इसीलिए इस चर्चा में है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये टाइडोर्ना फेरुगिनिया यानी एंसेरिफोर्मेस क्रम के तहत एनाटिडे परिवार से संबंधित है। इसे भारत में ब्राह्मणी बतख के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोप, एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये बतखें प्रवासी पक्षी हैं। ये शीतकाल में भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करते हैं और ये बड़ी आर्द्र भूमियों, नमक की झीलों, क्रेटर झीलों और मिट्टी के समतल और संकरे तटों वाली नदियों में निवास करते हैं। ये प्रमुखतः रात्रिचर हैं, ये रात में चलना और शिकार करना पसंद करते हैं और ये सर्वाहारी होते हैं, अर्थात ये घास और पौधे के जो बीज होते हैं उनके अंकुर और अनाज और जलीय पौधों के साथ साथ ये जलीय स्थलीय अकशेरुकीय जो कीट पतंग होते हैं जीवों को, इनको दोनों को खाते हैं, इसलिए ये सर्वाहारी इनको बोला जाता है। ये बैठी रहने वाली बतखें नहीं है, मतलब ये केवल तैरती रहती हैं और इधर उधर घूमती, ऐसा नहीं है। ये उत्तरी भाग से भारत के लिए उड़ान भरने का समय इनका लगभग 6800 मीटर की ऊंचाई तक ये पहुँचते हुए हिमालय तक चढ़ती हैं, मतलब ये उड़ने वाली बतख है इसलिए। और इनकी संरक्षण की स्थिति आईसीएन में ये लिस्ट कंसर्न है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है और इनका आसानी से शिकार किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जावन गैंडे यानी राइनो के बारे में। अभी इंडोनेशियाई अधिकारियों ने हाल ही में उजंग कुलोन नेशनल पार्क में एक नए जावन गैंडे के जो बेबी को देखे जाने की सूचना दी, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतिम जीवित आबादी का घर है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जावन गैंडा, जिसे छोटे एक सींग वाले गैंडे के रूप में जाना जाता है, ये 5 गैंडों की प्रजातियों में से सबसे अधिक खतरे में है। इसका वैज्ञानिक नाम गैंडा सोंडा इकस है और इसका वितरण यानी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो एक समय में ये पूरे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में रहते थे। आज ये जावन गैंडे की पूरी आबादी जावा, इंडोनेशिया के पश्चिमी सिरे पर उजोंग कुलोन नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसका निवास स्थान तो ये जंगलों, दलदली क्षेत्रों और घनी झाड़ियों और बांस के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी जनसंख्या 2020 में पार्क प्रबंधकों ने जानकारी की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए कैमरा ट्रैप डेटा पर भरोसा करते हुए अनुमान लगाया था कि ये लगभग 68 से 74 से अधिक जीवित व्यक्ति अब नहीं बचे हैं, मतलब 68 से 74 व्यक्ति बचे हैं, ओ सॉरी गेंडे बचे हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये बड़े एक सींग वाले गेंडे का छोटा और हल्का है और वे 1.7 मीटर से 5.6 फीट यानी कि ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और उनका वजन लगभग इनका 2300 किलोग्राम यानी 5070 पाउंड तक हो सकता है। उनकी ऊंची त्वचा पूरे या भूरे भूरे रंग की होती है और गीली होने पर ये लगभग काली सिलवटों जैसे गुलाबी रंग के साथ ये दिखाई देता है। भारतीय गैंडे के समान जावन गैंडे के पास एक सींग होता है और गैंडे की अन्य 3 प्रजातियों के विपरीत, जिसमें से 2 गैंडे की सभी प्रजातियों में इनके सींग सबसे छोटे हैं, जिनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर यानी 7.9 इंच से भी कम है। इसका जीवन काल तो ये 30 से 45 वर्ष तक जीता है और वे शाकाहारी हैं, केवल पौधे खाते हैं और वे एकांत प्राणी हैं यानी जोड़े और बच्चों की माताओं को छोड़कर ये रहना पसंद करते हैं। और इनकी संरक्षण की स्थिति तो ये आईसीएन की जो लाल सूची होती है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर, इनको यानी इनको बहुत अधिक खतरा है और इनके व्यापार या इनके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं प्राणी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गरुम्ब टिटन मोरेलेंसिस के बारे में।
तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्पेन में एक विशाल लंबी गर्दन वाला डायनासोर टाइटन की खोज की है। इसका नाम गरुंडवटिटन मोरेलिसेस नाम रखा गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये टाइटेनोसोर प्रजाति थी जो सारोपोड्स का एक उपसमूह है। ये लगभग 46 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर को मारने वाले क्षुब्ध ग्रह से टकराने तक जीवित रहने वाला एकमात्र इसका डायनासोर का वंशज था। अनुमान के मुताबिक ये विशाल जीवाश्म निचले क्रेटेशियस काल लगभग 145 से 66 मिलियन वर्ष के हैं। ये टाइटन सोम्फोस्पोंडिली उपसमूह के थे। देख लेते हैं टाइटेनोसोर प्रजाति के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये अंतिम जुरासिक युग यानी 163.5 मिलियन से 145 मिलियन वर्ष पूर्व से क्रेटेशियस काल के अंत यानी 145 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक का जीवित रहे। टाइटेनोसोर के जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए गए हैं और इसमें लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं। लगभग इनकी 40 प्रजातियां थीं और इस समूह में ज्ञात सबसे बड़े स्थलीय जानवर शामिल हैं जो कुछ आधुनिक व्हेल के बराबर के हैं। इन्हें अन्य सोरोपोड्स की तरह टाइटानोसोर लंबी पूंछ और लंबी गर्दन और छोटे सिर वाले शाकाहारी ये चौपाए यानी शाकाहारी चार पैरों वाले जानवर होते थे। इनकी शरीर गठीले थे और इनके अंगों और अन्य सेरोप्रोट्स की तुलना में व्यापक रूप से उत्पन्न किया। इनके पास छत्ते जैसी आंतरिक संरचना वाली कशेरुक और क्षेत्रिक कशेरुक भी थे। उड़ान गुडी पना गरुपट्टी एक गुड़ की एक प्रकार है और इसको अभी हाल ही में तमिलनाडु में इसको जीआई टैग दिया गया है तभी ये चर्चा में है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस क्षेत्र में ताड़ का गुड़ को तैयार करने की प्रक्रिया अभी तक बिना किसी अतिरिक्त आधुनिक रणनीति के परंपरा के रूप में स्थापित है। इसकी विशेषता क्या है? तो थूथुकुड़ी जिले के तुरुचेंदुर तालुका में उड़ान गुडी के आसपास के क्षेत्र में ये ताड़ के रस के से तैयार करुपट्टी में कुछ विशिष्टता है इसमें और ऐसा इस क्षेत्र में पाई जाने वाली लाल रेतीली मिट्टी की उपस्थिति के कारण होता है। ये मिट्टी भूजल को कम धारण करती है और शुष्क जलवायु की स्थिति के कारण वातावरण को नमी की मात्रा भी कम होती है। इससे सुक्रोज की मात्रा इसमें अधिक हो जाती है। इसके फलस्वरूप स्वाद बढ़ जाता है और इस क्षेत्र की शुष्क जलवायु लंबी अवधि हेतु करुपट्टी के भंडारण के लिए भी उपयुक्त है। इसकी तैयारी में ट्रिपल सुपर फास्फेट और फास्फोरिक एसिड जैसे किसी भी रासायनिक योजक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए इसको इसकी विशेषताएं कुछ हैं तो इसीलिए इसको भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो देख लेते हैं भौगोलिक संकेतक के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो ये उन उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक चिन्ह है जिसकी अपनी एक विशेषता होती है। किसी विशेष क्षेत्र की एक मतलब विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें उस उत्पत्ति के कारण एक गुण या प्रतिष्ठा भी अपनी होती है किसी भी उसी चीज़ की। इसका उपयोग सामान्यतः कृषि उत्पाद खाद्य पदार्थों वाइन और स्प्रिट पेय हस्तशिल्प औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है और जिसके बाद भी इसको नवीनीकृत कराया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है माउंट ब्लांक पर्वत के बारे में। तो माउंट ब्लांक रेंज ये आप देख सकते हैं यूरोप का मैप है। इसमें ये फ्रांस है और ये इटली है और ये कुछ इसमें स्विट्ज़रलैंड का भी हिस्सा आता है इसके इस रेंज में और ये इंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अभी नए शोध से पता चला है कि फ्रांस के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ब्लांक की ऊंचाई पिछले 2 वर्षों में इसमें कमी देखी गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये जो 4807 मीटर की है
और ये आल्पस पर्वत में स्थित और फ्रांस इटली की सीमा पर और स्विट्जरलैंड तक ये विस्तृत है, यानी फ्रांस इटली और स्विट्जरलैंड में ये पाया जाता है। इसे यूरोप की छत का नाम दिया जाता है। इसका नाम इसे ढकने वाली बारहमासी बर्फ की टोपी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद पर्वत। ये पर्वत सॉरी यह पर्वत इटली के आरोस्टा घाटी और फ्रांस के सावोई और हाउते सावोई क्षेत्रों के बीच ग्रेन आल्पस नामक श्रृंखला में स्थित है। अब देख लेते हैं आल्पस के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये यूरोप का मैप है और ये आल्पस पर्वत की पूरी इसमें रेंज दिखाई गई है। इसमें ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली, स्लोवानिया और ये जर्मनी, अन्य इतने देशों में ये फैला हुआ है आल्पस पर्वत। तो ये मैप में देख लिया आपने, आप भाई देखते हैं इसके बारे में। तो ये आल्पस का निर्माण अल्पाइन और जेनी के दौरान हुआ। ये घटना लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब मेसोजोइक युग की समाप्ति की ओर था। ये उबड़ खाबड़ रिलीफ और ऊंची शंक्वाकार चोटियों वाला एक युगबलित पर्वत है। आल्पस का निर्माण अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसमें अल्पाइन टेथिस विलुप्त हो गया, जो पहले इन महाद्वीपों के बीच में था। आल्पस उत्तर में नीस और फ्रांस के पास उष्णकटिबंधीय भूमध्य सागरीय तट से जिनेवा झील तक, उत्तर पूर्व से वियना और वियना बुट्स पर तक फैला हुआ है। ये वहाँ ये डेन्यू नदी को स्पर्श करते हैं और निकटवर्ती मैदान में मिल जाते हैं। आल्पस इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जोगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया का इन आदि देशों का इनका हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय वायुसेना ध्वज के बारे में। तो आइए देखते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ ने अभी हाल ही में बल के लिए एक नए पताका का अनावरण किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये केवल IAF क्रेस्ट के नए IAF एनसाइन में शामिल किया जाएगा और इस शाखा पर शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह प्रमुखता से अंकित है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते शब्द लिखा है। अशोक सिंह के नीचे फैले हुए पंखों वाला एक हिमालयी ईगल है, जो भारतीय वायुसेना की लड़ाई में की भावना का प्रतीक है। ये हल्के नीले रंग की एक अंगूठी हिमालयी ईगल के चारों ओर भारतीय वायुसेना शब्दों के साथ घिरी हुई है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भगवत गीता से लिया गया है, जिसका ये है नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका अर्थ होता है गौरव के साथ आकाश को छूना। ये सुनहरे देवनागरी लिपि हिमालयी ईगल के नीचे अंकित है। IAF शिखा प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत का प्रतीक है। भारतीय वायुसेना के कमांडो स्क्वाड्रनों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए विभिन्न क्रेस्ट अपनाए गए हैं। हालांकि सभी शाखाएं एक मानक फ्रेम के अनुसरण करती हैं, जिसमें फ्रेम के नीचे स्क्रॉल दिखाए गए हैं। इसके आदर्श वाक्य के साथ ये व्यक्तिगत गठन चिन्ह होता है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय वायुसेना का रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और इसके ध्वज के ऊपरी बाएं कैंटन में यूनियन जैक और फ्लाई साइड पर RIAF राउडेल यानी लाल, सफ़ेद और नीला रंग शामिल था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना का पताका यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे के साथ और RAF राउंड को निचले दाएं कैंट में IAF तिरंगे राउंडेल के साथ बदलकर इन्हें बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मुद्रा पोर्ट यानी मुद्रा बंदरगाह के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये गुजरात गुजरात में है ये मुद्रा पोर्ट, और ये देखते हैं ये गुजरात का मैप है और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पे ये मुद्रा पोर्ट है और ये कांडला पोर्ट है यहाँ पे। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अभी अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ये प्रमुख सुविधा मुद्रा पोर्ट ने अभी हाल ही में परिचालन के लिए 25 साल पूरे किए हैं, तभी ये चर्चा में है। ये भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, और इसका ये कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर मुद्रा कच्छ जिले ये कच्छ जिले के गुजरात के पास स्थित है।
एक गहरा ड्राफ्ट हर मौसम में खुला रहने वाला बंदरगाह है, और ये एक शीर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है, मतलब एक सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन भी है। और ये भारत का 33% कंटेनर यातायात और बंदरगाह से होकर इससे गुजरता है। इसका स्वामित्व तो ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह ऑपरेटर है और देश के कार्गो आंदोलन का लगभग 1/4 हिस्सा है। हैंडलिंग क्षमता इसकी क्या है, तो ये 260 MMT की क्षमता के साथ बंदरगाह 155 MMT यानी वित्त वर्ष 2022-23 से अधिक संभालता है, जो भारत के समुद्री कार्गो का लगभग 11% है। MMT का मतलब मिलियन मैट्रिक टन होता है। बंदरगाह में 26 बर्थ और 2 सिंगल पॉइंट मूरिंग है, इसे जहाज़ों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने की अनुमति देते हैं। बंदरगाह कंटेनर ये ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, तरल कार्गो और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालता है। इसमें देश का सबसे बड़े कोयला आयातक टर्मिनल भी हैं, जो न्यूनतम टर्म अराउंड समय के साथ तेजी से कार्गो निवासी सुविधाओं को इनकी कार्गो निकासी की सुविधा प्रदान करता है। मुद्रा पोर्ट की रेल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है, मुद्रा पोर्ट की रेल राष्ट्रीय रेल से जुड़ी है, और ये भारत के किसी भी स्थान के लिए कार्गो को संभाला जाता है। हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।